नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जी, आप देख रहे हैं रोहतक ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं घाटी में आ चुका हूँ, जो घाटी बताया था आपको, एक्सीडेंट वाला घाटी, बहुत ही डेंजर घाटी है दोस्तों, क्योंकि रात में ही इसको पार करने के लिए मैं आया था, लेकिन कुछ लोग बताए कि नहीं, इसको रात में घाटी में गाड़ी नहीं चलता है, जंगल बहुत बड़ा है, इसमें चोरी वोरी होता है। बडरमा घाटी है उड़ीसा का, तो बोलते कि नहीं, इसमें रात को चोरी होता है, आप बिल्कुल मत जाइए, आप सो जाइए। तो मैं ढाबा पे सो गया और अभी सुबह सुबह चला हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाता हूँ, घटना वाला घाटी है दोस्तों, कोई ना कोई ज़रूर एक्सीडेंट होता है उसमें, किसी ड्राइवर का मार के छीन लेते हैं, ये भी गाड़ी क्यों खड़ा है ये तो नहीं पता है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो करूँगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट करके करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इधर पतला बहुत रोड है दोस्तों, बहुत बच बचा के चलाना पड़ता है, क्योंकि बचा के नहीं चलाएंगे तो बड़ा गाड़ी है, कहीं नीचे उतर जाता है दोस्तों। तो बरसात का टाइम है, बारिश हुआ है, कहीं फंस गया तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा। बड़ा गाड़ी है, देख सकते हैं, इसलिए बचा के चलाना पड़ता है। मैं घाटी में दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा घाटी है, स्टार्ट हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं दोस्तों कैसा घाटी है, बहुत ही डाउनिंग घाटी है, मतलब उधर से आएंगे तो चढ़ाई रहेगा, इधर से आपको ढुलान पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से ढूंढना पड़ता है दोस्तों। बहुत ही अंदर खाई है, देख सकते हैं बहुत ही गहरा खाई है, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ दोस्तों तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए आगे भी बने रहिए, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। इतना पतला रोड है, खास करके दोस्तों ऐसे फोर लाइन रहता है, घाटी में ये लोग बनाता ही नहीं है, क्योंकि उतना बजट नहीं मिल पाता है और ये लोग लेट भी कर देता है, और बाकी बराबर रोड में जल्दी बना देगा, जहाँ घाटी उटी नहीं रहेगा वहाँ जल्दी बना देगा रोड, और जहाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी चला रहा हूँ, देख सकते हैं गाड़ी चला रहा हूँ,